कि ब्राह्मण देवता बैठे या तो संत बैठे, जाकर के पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो। बोले कि मैं भजन कर रहा हूँ। बोले कि भजन करना तो हमारे महल में चलो, चलो वहीं जाकर के भजन करना। बोले कि नहीं महाराज, अब इतने में राजा उनको छोड़ करके अपने घर आ गया। घर से महाराज ये राजधानी में मेले पहले क्या होता था महाराज, पहले राजसभा होती थी ना, तो महाराज वेश्याओं को ला करके महाराज रास लीला करवाते थे महाराज से, उनका नृत्य देखने के लिए राजा बड़े बड़े आते थे। अपने महल में होता था महाराज, महाराज वहां जाकर उस वेश्या ने नृत्य किया तो राजा हरिश्चंद्र को नृत्य पसंद आ गया। महाराज उन्होंने कहा कि जाओ इस सैनिक को बोला, इस वेश्या को बोलो मेरे मकान में आए महाराज, मेरे बंगले पर आए महाराज। वेश्या ने कहा कि क्या? बोले हमारे राजा आपको बुला रहे। बोले मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तो वेश्या हूँ, मैं श्रृंगार और पैसे से मतलब रखती हूँ महाराज। काम राजा को है तो राजा मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, 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 जाऊं। बोले कि हमारे राजा बड़े कठोर है, बड़े सत्यवादी है, पैसे वाले धनवान है विद्वान है, ऐसे करके मना करके ले आए महाराज। बोले राजा क्यों, आपका नृत्य मुझे बड़ा पसंद आया है, बोलो आपको क्या चाहिए। बोले बोले वेश्या ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कि लेना पड़ेगा, मेरी कुछ देने की इच्छा है, बोल क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। अपने राजा हरिश्चंद्र अपने गले में से सोने का हार निकाल करके देने लगे, उस वेश्या ने मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। बोले लेना पड़ेगा। तो उस वेश्या ने कहा कि राजा, राजा हरिश्चंद्र है ना तू, कि हाँ सत्य भी चलता है, कि हाँ जो कहता है वो करता है, कि हाँ तेरी देने की इच्छा है, कि हाँ। बोले मैं मांगू वो दे देगी। राजा हरिश्चंद्र का जो सो मांगना है सो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस वेश्या ने कहा कि अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे अपनी पत्नी बना लो, मुझे पत्नी बना लो, फिर मैं राज करूंगा इस महल में। उस राजा ने कहा मैं राजा हूँ, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी प्रजा क्या करेगी, मेरी प्रजा क्या करेगी। राजा हस्ते मैं ये नहीं कर सकता हूँ, दूसरा कुछ मांग ले। बोले कि एक काम करो, तुम नहीं देना चाह रहे ना तो ये सामने जो सत्यवादी है ना ये हटा देना और सिर्फ हरिश्चंद्र नाम रख लेना, ये सत्य हटा देना, राजा हरिश्चंद्र नाम रख लेना। तो राजा हरिश्चंद्र महाराज घबरा गया, मेरी तो शादी हो गई, एक छोटा सा कुंवर जी है महाराज, एक बालक रोहित नाम में मैं किसे रख सकता हूँ महाराज। घबरा गया महाराज, रोने लगे। इतने में वो जंगल में जो संत बैठे हुए थे वो आ गए महाराज। वो आने के बाद सुना कि किसी कन्या का किसी की आवाज रोने की, कौन ही रो रहा है। मंत्री ने कहा कि एक वेश्या है और इसने अपनी पत्नी का स्वरूप माना, इसने अपनी पत्नी बनना चाहा। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया महाराज, इसलिए वो रो रही है। राजा हरिश्चंद्र को समझाया तू राज करना चाह रही है ना, कि हाँ, कि आज से यह राज तेरा, मैं वन को चला जाऊंगा, मैं कहीं और ले लूंगा, लेकिन ये राज तुझे सौंप रहा हूँ वेश्या, लेकिन मैं सत्यवादी नहीं हटा सकता, मैं सत्यवादी नहीं हटा सकता हूँ, मैं तेरे से ब्याह नहीं कर सकता हूँ, तुझे राज चाहिए ना, सारा राज ले ले। वही राज लिया महाराज। अब इतने में सारा धन उसको वेश्या को दे दिया। संत ने कहा फिर विश्वामित्र अपना रूप बदल करके आए और उन्होंने कहा कि मुझे 40 बार मेरा सोना था ना, वो सोना दे दो आप। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि वो 40 बार सोना इनको दे दो। जैसे ही मंत्री गया और वेश्या ने मना कर दिया, ये सारा राजपाट मेरा है, अब यहाँ से तुम्हारा अधिकार ले जाने का नहीं है, नहीं है अब अधिकार, ये सब मेरा हो गया है। इधर विश्वामित्र बोल रहे हैं ब्राह्मण का रूप धर, मुझे 40 बार सोना अभी चाहिए, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, अगर तुमने 40 बार सोना नहीं दिया तो मैं यहाँ से खाली चला जाऊंगा और तुझे शराब दे करके जाऊंगा। घबरा गया राजा हरिश्चंद्र, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं। बोले कि महाराज आपको 40 बार सोना चाहिए, 60 बार सोना चाहिए ना, मैं दे दूंगा आपको, मुझे थोड़े दिन का समय दे दो। 15 दिन का समय लिया महाराज, 15 दिन हो गए, फिर विश्वामित्र आए, उनकी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, फिर कहा फिर 15 दिन रुक जाओ। फिर अंत समय आ गया महाराज, अंत समय आया, अब राजधानी से अपने महल में गया राजा हरिश्चंद्र। अरे चांद सो मुखड़ो पिया जी,
उन्होंने कहा कि तारावती तू सुनना चाह रही ना कि हाँ के लिए सुन, जो राजपाट था वो एक वेश्या ने मुझे छल के साथ में मुझे धोखे से उसने छीन लिया है महाराज, मुझे बात में अटका करके मेरा राज छीन लिया और मैंने राज दान दे दिया महाराज, मैं राजा नहीं रहा, कोई राजधानी नहीं रही महाराज। और विश्वामित्र को 40 बार सोना चाहिए, अगर वो वहां अपने द्वार से चले गए शराब देकर के चले गए तो अपना जीवन बेकार हो जाएगा महाराज, जीना बेकार हो जाएगा। तारावती रोने लगी, रोकर के कहने लगी, क्या कहने लगी महाराज, वो तारावती वो जिसने अपने महल से कभी बाहर नहीं गई वो आज रो रही महाराज, बोले कि आप चिंता ना करें, हम स्वयं बिक जाएंगे लेकिन 60 बार सोना उसको ला करके दे देंगे महाराज। गांव में ऐलान करवाया महाराज कि कल सुबह राजा हरिचंद्र तारावती और रोहित की बोली लगने वाली है, उनको कोई भी खरीदेगा महाराज वो पैसा देगा। इतने में बोली लगी महाराज, 20 बार सोना, 20 बार सोना महाराज राजा हरिचंद्र पे दाव के लगाया महाराज। एक करुणा भंगी नाम का आदमी था महाराज, उसने कहा कि 20 बार सोना मैं दे सकता हूँ और राजा हरिचंद्र को मैं खरीद सकता हूँ। एक ब्राह्मण और एक भंगी के घर महाराज वो दाव पे लगा रहा है, भंगी के घर में महाराज, महाराज 20 बार सोने में राजा हरिचंद्र को खरीद लिया। लेकिन खरीदने से पहले पूछा कि खरीदोगे तो काम क्या करना पड़ेगा, बोले कि मैं कहूंगा वो सब करना पड़ेगा, मेरे घर का बर्तन झाड़ू पोछा सब लगाना पड़ेगा और शमशान में तेरे को रहना पड़ेगा और मुर्दों को जलाना पड़ेगा, मुर्दों को तुझे जलाना पड़ेगा। बोले मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, कि नहीं करे तो रहने दे, लेकिन मजबूरी है, मरता क्या नहीं करता सब करता, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता सब करता, सब करता महाराज। उसने कहा ठीक है कुछ भी करके समय निकालना है, 20 बार सोना लिया महाराज, विश्वामित्र को दे दिया, बोले कि 20 बार और चाहिए मेरे को, 40 बार सोना और चाहिए मेरे को। तारावती एक तरफ देखा, इसकी भी बोली लगाऊं महाराज, 20 बार सोना तारावती और 20 बार सोना रोहित के लिए लगाया महाराज। एक ब्राह्मण ने खरीद लिया उसको कि मेरे घर ठाकुर जी की पूजा करना, सुबह भोजन बनाना महाराज, बर्तन धोना, ढोल लाना, ये काम करना महाराज। तारावती रोने लगी और रोने के आज अगर मेरे पिताजी होते तो कुछ भी बोल करके राजा हरिचंद्र को समझा देते या रहने के लिए मकान दे देते। वो रोने लगी महाराज, मैं किसको जाकर के सुनाऊं मेरी घटना, वो तारावती जिसने महल से बाहर पैर नहीं रखा वो आज नंगे पैर जा रही महाराज वन को, वन को जाने के लिए तैयार हो गई। वो रोहित बेटा जिसने पलंग से नीचे नहीं उतरे वो आज महाराज नंगे पैर होकर के वन में जा रहे महाराज। और कहने लगी तारावती मेरे मन की बात किसको सुनाओ, अब कौन सुनेगा महाराज। तारावती रोने लगी, कहने लगी, क्या कहने लगी, कोने सुने मारी कणी ने सुनाओ, कोने सुने मारी कणी ने
मारे सुनाओ, कोई न सुने मारे करने सुनाओ, कोई न सुने मारे करने तारावती रोने लगी। रोकर के कहने लगी कि पानी भरने गए इधर। इधर ब्राह्मण ने कहा कि जाओ तारावती, गंगा जी से पानी से भर ला करके अभिषेक का जल भर के ले आओ। एक मटकी उसको दी, जाकर के गंगा किनारे जाकर के दोनों मिल गए महाराज, एक दूसरे को देख करके रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा मेरा रोहित बेटा कैसा है, बढ़िया तो है ना? बोले हाँ बढ़िया है, आप कैसे हो? कि बढ़िया है महाराज। राजा हरिश्चंद्र बोलना वो बच्चे को ध्यान रखना, उस बच्चे को हमेशा लाड़ प्यार लगाना महाराज, उसको किसी चीज की कमी नहीं आने पड़ेगा। रोहित का ध्यान रखना, काम भले कम करना लेकिन उस लाल का ध्यान जरूर रख लेना, हमारा सारा वही है महाराज। इतने में महाराज दोनों मटकी भरने लगे तो राजा हरिश्चंद्र की मटकी महाराज भर करके किनारे खड़े थे और तारावती भर करके आई तो महाराज तारावती से वो मटकी उठी नहीं महाराज, वो मटकी उठा नहीं पाई। तो हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ मैं उठा दूं क्या? तो उस तारावती ने कहा आप एक भंगी के घर में काम करते हो, मैं एक ब्राह्मण के घर काम करते हूँ, अगर ये मटकी अगर आपने हाथ लगा दिया महाराज आप पवित्र हो जाएगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और शराब दे देंगे। बोले क्या करूं? बोले मैं एक उपाय बताऊं कि क्या, थोड़ा से इतने इतने पानी में चला जा और ये मटकी उठा करके अपने सर पे रख ले महाराज, क्योंकि पानी में जितनी भी वजन वाली चीज होगी वो बिल्कुल महाराज वजन नहीं रहेगा महाराज उसमें। वैसे ही अपने गले तक पानी में पहुंचा, मटकी अपने सिर पे रख के तारावती अपने घर आ गई और करुणा भंगी के द्वार पर पे राजा हरिश्चंद्र आ गया। राजा हरिश्चंद्र को भूख लग रही थी, भूख के मारे महाराज वो चल नहीं पा रहा था महाराज, तो जैसे राजा हरिश्चंद्र की घर की पेड़ी जैसे चढ़ा महाराज, एक चढ़ा दो चढ़ा तीन चढ़ा महाराज, जैसे तीसरी चौथी पेड़ी पे चढ़ा महाराज उसको ठोकर लगी महाराज, चढ़ नहीं पाया और गिर गया और वो मटकी फूट गई महाराज, वो मटकी फूट गई। मटकी जैसे फूटी आवाज आई करुणा भंगी की पत्नी आई महाराज, अरे अरे हरिया तू ये क्या कर रहा है, तूने मटकी फोड़ दी, इसका जुर्माना कौन भरेगा? और अच्छा अट्ठा कट्टा होकर के मटकी फोड़ दी, इतना वजन नहीं झेल सकता तू? महाराज एक डंडा लाई महाराज और राजा हरिश्चंद्र को दो डंडे की मार दी महाराज, एक राजा बताओ एक ब्राह्मण राजा एक भंगी की पत्नी ने महाराज उसको हरिया कहा और दो डंडे का मारा महाराज क्यों कारण। इतने में करुणा भंगी आया, करुणा भंगी आकर के चिल्लाने लगा क्यों रे हरिया तूने क्या किया मटकी फोड़ दी? कि हाँ मेरे पेट में कोई अन्न नहीं है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ सामग्री दे दो मैं बना करके खा लूंगा। बोले तुझे सुबह ही सामग्री दी थी बनाने की? बोले हाँ दी थी लेकिन मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा ना, मुझे और भूख लग रही है। फिर करुणा भंगी ने इशारा करा दे दे सामग्री दी, बनाया भोजन और जैसे बना करके भगवान को भोग लगाया और पत्तल रखी और जैसे खाने बैठा और एक महाराज संत आ गया। संत ने कहा कि भूखे को भोजन खिला दे लाला, दया आ गई राजा हरिश्चंद्र को और वो पत्तल अपने सामने से उसके सामने खसका दिखा ले तू तो।